ओ कंचन वालिका में सेलानी में तो पावणा। पावणा का मतलब आप समझते हैं कि हमारे राजस्थान में, हमारे मालवा में जब भी कोई अतिथि आता है तो उसको मेहमान कहते हैं, पावणा कहते हैं। तो ऐसे ही हमारे इस शरीर के अंदर आत्मा जो होती है वो होती है मेहमान की जैसे। तो कहा है एक कंचन वाली काया में सेलानी में तो पावणा। अरे एक दिन जावांगा, अरे पाछा कोनी आवांगा। कि एक दिन ऐसे जाएंगे कि फिर नहीं आएंगे, इसलिए जितना जीना है, जितना अच्छा से जीना है, इस जीवन को जिए। तो कहा है क्या, हो कंचन वाली, कंचन वाली, कंचन वाली काया में सेलानी में तो पावणा। अरे कंचन वाली काया में सेलानी में तो पावणा। अरे एक दिन जावांगा, अरे पाछा कोनी आवांगा। एक दिन हाथ हमको मिलते हैं एक दूसरे के लापे देने के लिए नहीं मिलते हैं।
हमको ये हाथ मिलते हैं, हम इससे अच्छे से अच्छे मंदिर का निर्माण करें। अभी हमारे मोनू भैया ने बहुत अच्छा मंदिर में पेंटिंग किया है, तो अच्छे अच्छे काम इन हाथों से करें। ये सोने चांदी पहनने के लिए हाथ नहीं दिए, या कोई के लापा देवे, हाँ इसलिए ये हाथ नहीं मिले, तो क्या कहा है? लेनो भी तो ले लो तो ले बैठे। अरे हमसे तो अच्छी उन परिंदों की जात है जो कभी मंदिर पे तो कभी मस्जिद पे जा बैठे। देखिए एक बात और याद आ गई, कहा है कि एक बार मैं मंदिर गया तो पुजारी ने कहा कि बेटा पंडित बन जा। क्या कहा? मंदिर में गया तो पुजारी ने कहा कि बेटा पंडित बन जा। अब मैं गया मस्जिद में तो मौलवी साहब ने कहा कि बेटा मुस्लिम बन जा। दर बदर की ठोकरे खा खा के मेरी माँ के पास पहुंचा तो मेरी माँ ने एक ही बात सिखाई कि बेटा कुछ मत बन, पहले इंसान बन जा, बाकी सब धर्म की बात बाद में है। तो क्या कहा है कि भाई इंसान बनो, तो कहा है कि मिलनो वे तो मिल लो रे जगत काम निकालो, मिलनो वे तो मिल लो रे जगत काम निकालो, यो मेलो तो पिछड़ियो जाए मेरे पछतावा।
बाड़ा की तड़ला की गाणो वे तो गालो रे गुरु जी वाला की तड़ला। पहले के जमाने में भजन चला करते थे तो उसमें बड़ा आनंद आता था, लोग बैठ के बड़े चाव से सुनते थे, हमारे बूढ़े बाबा ये बैठे थे, वो ओम जी कहाँ गए वो। ऐसे जमाने में ऐसे भजन आते थे कि राग दीपक गाते थे तो दीपक जल जाते थे, मेघ गाते थे तो बारिश हो जाती थी। आजकल गावे के सुना ऐसा ही है, क्या करो। तो क्या कहा है कि गानों में तो गालो रे गुरु जी वाला की अमर हुई जावागा।